नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टारिंग पीके में। दोस्तों आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इस ब्रांड न्यू Redmi के 9A की अनबॉक्सिंग। बताएंगे इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलता है, प्राइस और अवेलेबिलिटी सब के बारे में आपको बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। और इसी के साथ फ़ोन का मैं करूँगा गिव अवे। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। मैं उन्हीं कमेंट में से एक कमेंट पिक करूँगा रेंडमली और उसको ये फ़ोन गिव अवे कर दिया जाएगा। आपको बताना है सिर्फ इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और सब कुछ बताएंगे आपको इसी वीडियो में। चलिए हम फटाफट से इसके अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का बॉक्स मिल जाता है, ये आपको सामने मिलता है। इसके ऊपर की तरफ लिखा हुआ आपको Redmi 9A 32GB 5000mAh की बैटरी को क्लियरली हाईलाइट किया गया। ऊपर की तरफ इसकी ब्रांडिंग के बारे में बताया गया, इंडिया नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड MI Xiaomi। साइड की तरफ आपको एक और ब्रांडिंग लेबल मिल जाता है, इधर साइड में भी आपको एक मिल जाता है। पीछे की साइड में बॉक्स के कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं, इसमें मैं बता देता हूँ आपको 6.53 इंचेस का एक डॉट नोज डिस्प्ले मिलता है, एक HD+ ही आपको डिस्प्ले मिलता है। आपको 5000mAh की एक बैटरी मिलती है। बॉक्स के अंदर आपको एक 10W का चार्जर मिल जाता है माइक्रो USB केबल के साथ में। 13MP का आपको एक सिंगल कैमरा मिल जाता है, पर यह आपके पोर्ट्रेट शॉट भी क्लिक कर देगा। इसी के साथ इसका प्रोसेसर है MediaTek Helio G25 का आपको प्रोसेसर मिल जाता है, 12nm बेस है। आपको नेचुरल ग्रीन कलर है मेरे पास 2GB और 32GB वेरिएंट में। हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। ये मैंने बॉक्स को ओपन किया है, मैं हटा लेता हूं और देख लेता हूं बॉक्स के अंदर आपको क्या मिल जाता है। अंदर की तरफ आपको ये ऊपर की तरफ आपको सिम इजेक्टर पिन मिल जाती है। अंदर आपको कोई इसके अंदर बैक केस प्रोवाइड नहीं करवाता है अब की बार, क्योंकि ये एंट्री लेवल का स्मार्टफोन है। इसकी प्राइस यही अराउंड 6 से 7 हज़ार रुपये के बीच में आपको ये मिल जाता है। इसके अंदर आपको एक माइक्रो USB केबल मिल जाता है और ये आपको एक 10W का एक नॉर्मल अडेप्टर मिल जाता है। और फ़ोन मैंने दोस्तों पहले से साइड में निकाल लिया है, ये आपको कुछ इस तरीके का फ़ोन दिख जाता है। तो हम बॉक्स कंटेंट को साइड में कर लेते हैं और फ़ोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ़ोन दोस्तों कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है। पीछे की तरफ आपको एक Redmi की ब्रांडिंग मिल जाती है, नेचुरल ग्रीन कलर है। पीछे की साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिल जाता है। 13MP को आपको एक सिंगल कैमरा मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको एक फ्लैश मिलता है। ऊपर की तरफ आपको एक 3.5mm का हेडफोन जैक मिलता है। साइड की तरफ आपको एक लॉक की और इसी के साथ एक वॉल्यूम ब्रोकर की मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको एक माइक्रोफोन टाइप सी और एक स्पीकर ग्रिल मिल जाता है। इधर की साइड में आपको एक सिम ट्रे मिल जाती है, जिसके अंदर आप 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम फटाफट से इसकी स्क्रीन के अंदर आ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन है, आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं इसके अबाउट फ़ोन के अंदर जाता हूँ, बता देता हूँ। यह है MIUI 12 के ऊपर काम करता है, यह MIUI 12 के ऊपर काम करता है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको MIUI 12 मिल जाता है, Android 10 मिल जाता है आपको इसके अंदर। ये Android 10 आप देख सकते हो, और बाकी के जितने भी Xiaomi के फ़ोन आते हैं, MI के फ़ोन आते हैं, लगभग सब में वही फीचर्स मिल जाते हैं। जो इसकी मैं सिक्योरिटी की आपको मैं बात बता देता हूँ, इसके अंदर आपको सिक्योरिटी में कोई भी फिंगरप्रिंट आपको मौजूद नहीं है, सिर्फ आपको इसके अंदर फेस लॉक मिल जाता है सिक्योरिटी ऑप्शन के लिए। तो मैंने इसमें फेस लॉक सेट कर दिया है, देखते हैं कैसा है इसका। अभी मेरा चेहरा सामने नहीं है, जैसे ही मेरा चेहरा सामने आया ये दोस्तों इंस्टेंट लॉक होता है आपका, देख सकते हो। फिर से मेरा चेहरा सामने है, कुछ टाइम लेता है 0.3 सेकेंड लेता है यहाँ पर। यह आप देख सकते हो कि इसने थोड़ा टाइम लिया है, थोड़ा स्लो ही कर सकता हूँ मैं, इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है। पर ऑल ओवर आपको इस प्राइस रेंज में ठीक ठाक सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। सीधा मैं कैमरा मोड में चले जाता हूँ और कैमरा मोड में आपको बता देता हूँ, एक आपको एक फ़ोटो का ऑप्शन मिल जाता है, उसी के साथ आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन भी मिल जाता है। मोर ऑप्शन में जाऊँगा तो आपको कुछ टाइम लैप्स, शॉर्ट वीडियो मोड, ऐसे कुछ करके मिलता है। वीडियो मोड के अंदर मैं जाता हूँ तो आपको मैं बता देता हूँ, यह 720p और 1080 पिक्सल 30 FPS पे आपकी ये रिकॉर्डिंग
कर देता है वीडियो रिकॉर्डिंग आपका। और फ्रंट कैमरा आपको इसके अंदर 5 मेगापिक्सल का मिल जाता है। कैमरा कैसा है मैं इसकी सारी बताऊंगा कि आपको कैमरा कैसा मिल जाता है। मैं कुछ इसके सैंपल लेके आ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, आप इंतज़ार कीजिए। अब मैं इस फ़ोन के कुछ कैमरा सैंपल लेके आ गया हूँ और मैं आपको बता देता हूँ इसके कैमरा कैसा है। ये मैंने एक पोर्ट्रेट सेल्फी ली है। सबसे पहले मैं नॉर्मल मोड की फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये आपका नॉर्मल मोड में लिया हुआ फ़ोटो है, आप क्लियरली देख सकते हो। आपको एक अच्छी क्वालिटी के साथ मिल जाता है, अच्छा कैमरा है। मैं इस प्राइस रेंज में बहुत ही डिसेंट कैमरा कहूँगा आपको। अगर प्राइस बजट आपका इतना ही है तो इस बजट में आपको एक बहुत अच्छा कैमरा मिल जाता है इस रेडमी के 9A के साथ। इसी के साथ मैंने कुछ दोस्तों पोर्ट्रेट मोड क्लिक किए थे, ये सब कुछ ही पोर्ट्रेट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट को भी पोर्ट्रेट कर रहा है पूरा। तो ये कैमरा में दोस्तों प्रॉब्लम है, इसके इशू है, ये जल्द ही MI उम्मीद करता हूँ अपडेट के साथ फिक्स करे। ये मैंने पोर्ट्रेट शॉट लिया, पूरा का पूरा ही ब्लर कर दिया इसने, आप क्लियरली देख सकते हो। इसका मतलब इसके कैमरा में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उम्मीद करता हूँ जल्दी Xiaomi इसको फिक्स कर दे। सेल्फ़ी की मैं बात कर लेता हूँ, ये कुछ आपको एक सेल्फ़ी कैमरा मिल जाता है, आप डिटेलिंग अच्छे से देख सकते हो, कलर वगैरह आपके फेड हुए नहीं हैं, आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। आपका कैमरा प्रॉपरली अच्छे से वर्क करता है फ्रंट कैमरा। आपको सामने की तरफ मैं इसके में बता देता हूँ, स्क्रीन में आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया है, आपको एक कर्व्ड 2D ग्लास दिया गया है आपको। तो यही था एक इसकी अनबॉक्सिंग के अंदर। प्राइस में आपको मैं बता देता हूँ, अभी फ़िलहाल 6,800 रुपये है अमेज़ोन और Xiaomi की ऑफिशियल वेबसाइट MI.com के ऊपर आपको मिल जाता है। पर यही कुछ बजट रेंज का फ़ोन है, अगर आपको चाहिए 6,500-7,000 की रेंज में आपको फ़ोन चाहिए तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो इतना ही था मेरे वीडियो में, एक और अनबॉक्सिंग हम लेके आएंगे ज़बरदस्त। तब तक बने रहिए हमारे आप YouTube चैनल के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बोलते रहिए भारत माता की जय।